तारीख 8 मार्च 2010, समय दोपहर 2 बजे, जगह राज्यसभा। राज्यसभा में अचानक अफरा तफरी मच गई। समाजवादी पार्टी के सांसद राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए, माइक उखाड़ने की कोशिश। सदन में समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश हो रही थी। वजह था महिला आरक्षण बिल। संसदीय राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी 7 सदस्यों को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। फिर महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई और एक के मुकाबले 186 वोट से राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। 9 मार्च 2010 महिलाओं के अधिकारों के वास्ते लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक अहम तारीख बन गई। संसद में पहली बार महिला आरक्षण का प्रस्ताव पेश होने के 14 साल बाद आखिरकार संसद के एक भवन से ये प्रस्ताव पास भी हुआ, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। तब राज्यसभा में तो बिल पास हो गया, लेकिन यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं कर पाई। वजह राजनीतिक अड़चने थी। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां इसके खिलाफ थी और सरकार इस पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया, उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को। 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, ये बिल भी लैप्स हो गया। इस बिल पर अभी 4-5 साल पूरे होने को आए, कभी आपने देखा सदन में शोर मचा? इसके लिए विपक्ष की ओर से नहीं मचा, पहली बार मच रहा है। जो पार्टियां विरोध करेंगी वो तो नगण्य है, उनके पास आज कहाँ है सदन में सदस्य, 30-40 लोगों में निपट जाएंगे। अब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी बिल का समर्थन कर रहे हैं, यानी देश की राजनीति का स्वरूप बदल जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो लागू हो जाएगा कानून, तब उसके बाद क्या होगा, क्या बदलाव होने वाले हैं, कैसे बदलेगा राजनीति का स्वरूप, वो जान लीजिए। महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और जो राज्यों की विधानसभा होती है वहां विधानसभाओं में 33% सीटें वहां पर भी रिजर्व कर दी जाएंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षण के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सरकार जब 33% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई है, तो सवाल यह बनता है कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि 15 साल के लिए ये जो आरक्षण है उसका प्रावधान रखा गया है, 15 साल के लिए आरक्षण मिलेगा और 15 साल के बाद संसद में इसका फैसला होगा कि आगे इसको कितने दिनों के लिए बढ़ाना है या फिर आगे ये कितना लंबा जाएगा या आरक्षण कितना दिया जाए, तब 15 साल के बाद इस पर सोच विचार किया जाएगा। यानी 15 साल बाद फिर संसद में महिलाओं के आरक्षण पर फैसला होगा, यानी 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। तब सवाल होगा कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा, क्या महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें बदलेंगी। महिला आरक्षण का विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग रहा है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लगातार ये मांग करते रहे हैं कि महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण में भी जो मौजूदा आरक्षण है उसी व्यवस्था को लागू किया जाए। लोकसभा में पेश नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आरक्षण को लेकर भी तस्वीर साफ है। महिला आरक्षण बिल जब लागू हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। वो आंकड़ा क्या होगा, तो एसटीएससी वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद। अब ये समझते हैं कि जब महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो फिर लोकसभा का समीकरण क्या होगा। होगा ये कि 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, इनमें से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ये तो हो गया एससी का समीकरण। एसटी का समीकरण क्या होगा ये जान लीजिए। एसटी का समीकरण 47 सीटें आरक्षित हैं और उनमें से 16 सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। ये होने वाला है लोकसभा का समीकरण ये बिल लागू होने के बाद। यानी महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा,
आरक्षण 33% देने की बजाय 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सीधे और आसान शब्दों में समझें। अब आपको वो समीकरण बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल जब लागू हो जाएगा तो कुल मिलाकर 181 सीटें लोकसभा में महिला उम्मीदवारों के लिए होंगी, जिसमें से एससी के लिए 28 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। इसके बाद जो 137 सीटें बच जाती हैं, इन्हीं 137 सीटों पर सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में 19 सितंबर 2023 का दिन महिला अधिकारों के लिए अहम पड़ाव साबित हुआ। निश्चित तौर से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही गौरवशाली क्षण है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, ये उनकी फितरत है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 27 साल का वक्त लग गया। महिला आरक्षण पर बिल लाने की पहली कोशिश 1996 में 13 दलों वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने की थी। तब प्रधानमंत्री थे एचडी देवेगौड़ा। उस समय के कानून मंत्री रमाकांत डी खलप ने संविधान के 81वें संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया था। इस संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन सरकार में शामिल और सरकार का समर्थन कर रही कई पार्टियां इस बिल के खिलाफ थी। इसलिए बिल को 31 सांसदों वाली एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। कमेटी ने राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण देने का सुझाव दिया। कमेटी ने महिला आरक्षण में भी आरक्षण का सुझाव दिया। इन सुझावों के बाद भी महिला आरक्षण का बिल आगे पेश नहीं किया गया और बात आई गई हो गई। बेशक महिला आरक्षण बिल पर 1996 में सब दलों की सहमति नहीं बनी, लेकिन तब तक ये मुद्दा राजनीतिक विचार विमर्श में आ चुका था। 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इस बिल को पास कराने की कई कोशिश की थी। 13 जुलाई 1998 को बिल को लोकसभा में पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन सदन में हंगामा हुआ। 2003 तक तब की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को 8 बार लोकसभा में पेश करने की कोशिश की, लेकिन विरोध और राजनीतिक वजहों से ये बिल हर बार लटकता रहा। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। फिलहाल राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि बिल का लोकसभा में पास होना तय है, यानी देश की राजनीति में अब महिलाओं की और भी मजबूत और सशक्त भागीदारी होगी।